दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो बिहार कांस्टेबल के एग्जाम को लगभग 30 से 40 दिन बचे हैं। जिनका पहले एग्जाम होने वाला है उनको थोड़ा कम समय मिलेगा, और जिनको ज़्यादा समय मिलेगा उनका एग्जाम थोड़ा सा बाद में होगा। तो ऐसे समय में तैयारी लगभग सबकी चल रही होगी। ऐसे में जो बिहार कांस्टेबल है उसकी तैयारी के दो फेज हैं। फिजिकल पे भी उतना ध्यान देना है और रिटेन भी थोड़ा सा ठीक ठाक रहना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे रहे हैं कुछ ऐसे, उसके अलावा जो लोग हमसे जुड़े हैं या फिर मेरी ग्रुप, मेरी कम्युनिटी, या फिर लोग कमेंट करके कि मतलब ऑफलाइन में कौन सा सेट लगाएं, तो आपको ऐसे सेट का चुनाव करना होगा। मतलब ऐसे प्रैक्टिस सेट, मार्केट में तो बतेरे प्रैक्टिस सेट हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज मार्केट में गया था तो काफ़ी खोजबीन करने के बाद जो मुझे मिला, किरण पब्लिकेशन का सेट मिला था। किरण पब्लिकेशन का के सेट का रिकमेंडेशन मैंने ग्रुप में भी दिया था कि आप लोग जो पहले लगा रहे हैं उन लोगों को लगाना चाहिए। तो इस पे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, तो सबको पर्सनली मैंने नहीं करा था, ग्रुप में करा था। जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको भी, उनके लिए भी लगा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए। किरण पब्लिकेशन का सेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं काफ़ी लोगों ने इसको रिकमेंड किया है, लेकिन मैंने दो तीन चीज़ें कहूँगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, इसमें थोड़ी से कंटेंट जो है दूसरे जो प्रैक्टिस सेट हैं ऑफलाइन वाले उससे ठीक हो सकते हैं। पहली बात यह है कि ये मतलब इसमें मैंने प्रश्नों को देखा तो प्रश्न आसान प्रवृत्ति के लग रहे थे, मतलब लग रहे थे कि 10th लेवल के हैं। बाकी के मार्केट के जो सेट मिलेंगे आपको, तो उसमें थोड़ा सा प्रश्नों को टफ बनाया गया है। टफ आपको पढ़ के जाना है। प्रैक्टिस सेट में आप यदि टफ टफ करेंगे, टफ भी ठीक है, लेकिन इतना भी टफ ना हो कि आपका मोराल डाउन हो जाए। उस लेवल को ये करके, ये वाला देखिए, इसमें प्रैक्टिस सेट कितना दिया हुआ है, 20-25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। मैं आपको 25 ही है। और इसमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखा गया है ना, कि वैकेंसी आने के बाद पैटर्न को समझा गया था। मतलब मटेरियल एक करके नहीं रखा गया था कि जैसे आया बिहार पुलिस तो 12th लेवल पे आने वाला है, चिपका दो और मार्केट में छोड़ दो। इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है कि 10th लेवल के प्रश्नों की प्रकृति क्या है और इसमें कैसा पूछा जाएगा, कहाँ टफ हो सकता है, कौन सा सेगमेंट आसान हो सकता है। इस लेवल पे बुक आपको ठीक ठाक लगेगा। दूसरा बात है कि मान लीजिए कि एक प्रश्न लगाते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन भी इसमें ठीक दिया है। मतलब बहुत 20-20 पॉइंट नहीं दिया है, जो कि मतलब देख रहा हूँ मैं कुछ सेट में बहुत ज़्यादा दिया है। तो कभी ज़्यादा तो ठीक है, लेकिन अभी ज़रूरत आपको जितना है कम का, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट मैं हमेशा कहता हूँ। सब इंस्पेक्टर का होता तो मैं 10 पॉइंट जरूर कहता, लेकिन अभी आपको फिजिकल के साथ साथ थोड़े से क्रिस्पी पॉइंट को पकड़ना है जो एग्जाम में वैल्यूएबल हो। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको 4-4 पॉइंट मिलेंगे। और इस बुक की देखिए, सब देख रहा हूँ मैं सेट प्रैक्टिस वगैरह में, मैथ और इंग्लिश हिंदी, इन तीन चीज़ों को थोड़ा सा निग्लेक्ट किया जा रहा है। लेकिन किरण वाले में मैंने प्रश्न निकाल के देखा है, एक चीज़ का आप देखेंगे कि इसके जो प्रश्न है ना, इसमें भी प्रश्न रिपीटेड हैं, लेकिन इसके जो प्रश्न रिपीटेड हैं बिहार के प्रीवियस ईयर के जो अदर एग्जाम हुए हैं उसके मैथ हैं, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इंग्लिश भी कुछ एग्जाम में आता है, उसके 2-4 प्रश्न उठाए हुए हैं, हिंदी हैं। तो इससे क्या होता है कि आप 20 सेट मान लीजिए कि 25 सेट है, इस 25 सेट के सारे प्रश्नों को हिंदी और एक को बना लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, तो आपको अभी के समय में बहुत मतलब हिंदी और मैथ के लिए माथापेची नहीं करना पड़ेगा। मैथ इसका इसलिए मैं बेहतर कहता हूँ कि हम लोगों ने जो बिहार एसएससी का ग्रुप चलाया था उसमें भी मैंने उसके मैथ को रिकमेंड किया था, ताकि प्रीवियस ईयर के पैटर्न को समझे। और इसमें वही प्रश्न जो बिहार के मैथ रीजनिंग प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको यदि मैथ रीजनिंग के लिए भी बनाते हैं 25-30 नंबर इस बुक से जो प्रश्न को आप पे करेंगे, एग्जाम होगा तब उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मैथ कहाँ से है, तो आपका मैथ और रीजनिंग भी इससे हो जाएगा। ये तो इस सेट को, इसलिए इसको आप बाई कर सकते हैं। प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है 100-150। बाकी के दो जो और मार्केट के प्रोमिनेंट हैं उनके सेट मिलेंगे नहीं, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। बिहार पुलिस में 20 लाख फॉर्म गिरे हैं, तो सब जगह आपको किरण के जो बुक हैं आपको ठीक ठाक ऐसे मिल जाएंगे। और आपको प्रैक्टिस सेट जरूर बना लीजिए। किरण वाला एक जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत पहले आया था, मैंने बताया था प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए कि आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक को कवर करता है। वो बुक का यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट करना जरूरी है। लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस सेट का एक ये बिना जाएंगे तो आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में नहीं आएगी, आप थोड़ा सा कॉन्साइज हो जाएंगे। इसलिए किरण का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप लोग कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही जरूरी है, आप इसका ध्यान रखेंगे। मतलब कुल मिला जुला के यही है कि आपको पढ़ना उतना ही है जितने में आप कांस्टेबल का एग्जाम पास करो। आईएएस के कॉन्सेप्ट को भी आपको लेके नहीं चलना है, बीपीएससी को कॉन्सेप्ट को लेके नहीं चलना है, उसका भी समय आएगा। उस सेट में जो घुमा फिरा के प्रश्न है उससे क्या है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जोड़ दिया गया है, जिससे आपके कांस्टेबल के प्रश्नों को समझने में आसान होगा। उसके आप
तो उसके प्रैक्टिस सेट को भी आप ले सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह है, हम लोग भी जाके छोटे जगह से लेके आए तो मार्केट में बस यही एक बुक दिखा और मार्केट में धड़ल्ले से मतलब सबके हाथ में लगभग आपको दिख जाएगा। और अभी आपको फटाफट करना है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो जिनके पास अवेलेबल है उनको प्रैक्टिस सेट करा दिया जाए, ग्रुप में फ्री में ही कराया जाएगा, हम लोग कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं। इसके साथ साथ मैं गया था तो आपको ये वाला एक बुक मिला। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि जब भी जाता हूँ तो हम लोग को मार्केट में अच्छे बुक्स वगैरह खोजते रहते हैं, तो किरण का एक और बुक मुझे मिल गया था। मैंने इसको उठाया है और इसको खोल के देखा है तो इसमें भी जो कंटेंट है थोड़ा सा अच्छे तरीके से पॉइंटर्स में देने की कोशिश की गई है, जो कि आपको मतलब यदि आप कम समय में पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें हिंदी के साथ साथ सामान्य विज्ञान और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें दिया हुआ है, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंग्लिश में कांस्टेबल के बच्चे तो नहीं जाते, लेकिन आगामी भविष्य में जो CGL के हैं, बिहार SSC वगैरह के दरोगा के लोग हैं, इसको फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी मार्केट में बुक धीरे धीरे जगह ले रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसके कंटेंट को लोग पसंद करेंगे, तो मैंने इसको उठा लिया है। यदि आप चाहें तो इसको बुक को ले सकते हैं, लेके देख सकते हैं। तैयारी अगर कम समय में करना है तो इसको चूज कर सकते हैं। और इसके लगभग मतलब सारे प्रश्नों को बना लिया जाए, एक इस बुक को कवर कर लिया जाए, तो आगे जो SSC CGL के एग्ज़ाम हैं, बिहार SSC मैंने बता दिया, वो कवर हो सकते हैं। कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी प्रश्न कवर होंगे। यदि आपको लास्ट समय में करना है, जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट वही लगाइए जो आपको मतलब एकदम टू द पॉइंट रहे, टू द पैटर्न रहे। इस चीज़ पे किरण वाला ये बुक ठीक ठाक ही होता है। मैंने अभी दूसरे मार्केट के सेट कोई नहीं किया है, अंतिम 10 दिन में बचेगा तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। और प्रैक्टिस सेट के साथ प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा, उसमें भी पीछे के जो प्रश्न है उससे आपको ये मिलेगा। और एक किरण वाला बुक है, आप इसको ट्राई करिए। इसमें ऑनलाइनर अप्रोच है, ऑनलाइनर का ज़्यादा थोड़ा सा वैल्यू हो रहा है, उसको डिमांड में रखते हुए इस बुक को रिलीज किया गया है। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है किरण वाला उसको चलाएंगे, ग्रुप में आपको जल्दी ही सूचना दिया जाएगा। और भी कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन होंगे, हम लोग शॉर्ट वीडियो भी आजकल मैं देख रहा हूँ चल रहा है, तो हम लोग शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, एक मिनट का, उसमें एक छोटा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हमारा भी समय कहीं से भी हम लोग उसको शूट कर लेंगे और कहीं से भी आपको ये मिलेगा। तो ये मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया है। मार्केट में आप जाइए, आपको जो मतलब लोकल स्टोर है वहाँ पे करिए। और अब थोड़ा सा आप रनिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं, 70% इस पर दीजिए। इतना दिन बचा हुआ आप रनिंग कर भी सकते हैं, जिनकी रनिंग ठीक है वो वही उन्होंने ही फॉर्म भरा होगा, और वो यदि एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो उनको बहुत अफसोस होगा। उनका जो प्लस पॉइंट है रनिंग वाला, उसको एग्ज़ाम के बाद भी और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास पहला पड़ाव पार करने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, बुक्स पढ़ना होगा, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चाहिए।